मुकुंदपुर चिड़ियाघर में बटरफ्लाई पार्क के साथ ही शीघ्र जानवरों की आमद भी दिखाई देगी। इसके साथ ही जंगल को बढ़ाने के लिए नए सिरे से पेड़ भी लगाए जाएंगे, कहा सीसीएफ अतुल खेड़ा ने। जल्दी ही वन विभाग रीवा में फूल पौधों को बढ़ाकर सुंदरता तो लाएगा ही, साथ ही बटरफ्लाई पार्क का निर्माण करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुकुंदपुर चिड़ियाघर की। यहां पर शीघ्र ही या यूं कहें मार्च में ही जानवरों की संख्या भी बढ़ जाएगी, साथ ही रीवा के जंगलों को भी हरा भरा बनाने की ओर भी वन विभाग बढ़ रहा है। इस संबंध में रीवा दर्शन के एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने मुख्य वन संरक्षक अतुल खेड़ा से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा रेंज के सीसीएफ अतुल खेड़ा। रीवा में वन और अभी हाल में वन विभाग द्वारा संचालित यहां का चिड़ियाघर काफी बेहतर व्यवस्था में आ गया है, काफी पर्यटक वहां पर जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। सर, रीवा दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये अभी जो आपने चिड़ियाघर में कुछ नई प्लानिंग किस तरीके की, क्या करके रखी है चिड़ियाघर में? देखिए, अभी तक बाड़े बनाने का काम हमारा चल रहा था, तो उसमें काफी बाड़े हमारे तैयार हो गए। अब हमारा अगला कदम है उसमें जानवर लाने का। तो जानवर के लिए हमारे द्वारा लखनऊ, दिल्ली, अलग अलग जो चिड़ियाघर है उनसे बातचीत चल रही है। उसमें कुछ चिड़ियाघरों द्वारा हमको विभिन्न जानवरों को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी गई है। हमने ये प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को बना के भेजा है। उनके द्वारा जब इसमें हमें अनुमति प्राप्त हो जाएगी तो शीघ्र अतिशीघ्र इन बाड़ों में हम नए जानवर लाएंगे, जिसमें मुख्यतः थामिंग डियर है, सांभर है और बार्किंग डियर इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में हमारे द्वारा जो है ये भी एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाने का इसमें प्रयास है। आप अगर अभी चिड़ियाघर को देखें तो उसमें काफी फूल वगैरह, फूल अलग अलग हमारे द्वारा लगाए गए हैं। तो उसका एक उद्देश्य ये भी है कि फूल होंगे तो विभिन्न प्रकार की तितलियां आएंगी, तब ये पार्क हमारा डेवलप हो सकेगा। चिड़ियाघर के अंदर एक प्रशासनिक भवन, एक पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रूम तथा रेस्क्यू सेंटर इत्यादि का काम चल रहा है, जो हमारा अभी अगले माह में पूर्ण हो जाएगा। स्वयं आप देख रहे हैं चिड़ियाघर बेहतर होता जा रहा है, पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और खाली रीवा संभाग से ही नहीं, इस बार जबलपुर और अन्य दूर दूर स्थलों से भी बच्चे तथा सर, जब चिड़ियाघर बनाया गया था तो वहां पर यह कहा गया था कि हम सफेद सिरों को यहां पर प्रजनन कराएंगे, उस तरफ आपने अभी तक क्या कदम बढ़ाया? देखिए, इसके लिए हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति लगती है, तो वह कार्रवाई प्रक्रिया रहते हैं, वहां से अनुमति अगर आ जाती है तो फिर इसमें हम अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर गर्मी का सीजन आया, आपके यहाँ से जो पेड़ लगाए जाते हैं वो अक्सर सूख जाते हैं, और अब भविष्य में किस तरीके की नई सरकार आई है, किस तरीके की प्राथमिकताएं आप निकट भविष्य में तय करने जा रहे हैं? इस बार जो है हमें कैंपा मद है, एक विभाग को मिलता है मद, इसमें हमें राशि मिली है, उसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा अधिक राशि का प्रावधान होता है, तो उससे और बेहतर वृक्षारोपण हम परिणाम दे सकने में सफल होंगे। ये थे हमारे साथ रीवा रेंज के सीसीएफ अतुल खेड़ा जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि हम निकट भविष्य में चिड़ियाघर को ऐसा रूप देंगे, हम संभाग में पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे, पर्यावरण के हिसाब से हम संभाग को और बेहतर बनाएंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं